खम्मा गणी साहब मल्लखन सुमनी था सका को स्वागत करूं हमारा चैनल पर और हमारा आज का व्लॉग में भी और जान मथा ना बोले हमारा देश में भी। तो बिल्कुल आज हम पहुंच गए हैं नाथ द्वारा। मतलब आपको ऐसे बताकर क्या ही बताऊं मैं, जब मैंने आपको ये शिव जी की मूर्त ना बताई हो। ये नाथ द्वारा की क्या, ये तो वर्ल्ड का हाइएस्ट शिवा स्टैचू है और वर्ल्ड फोर्थ ऐसा कुछ है जो टॉलेस्ट स्टैचू है। मेरे साथ मम्मी, प्रीति, मैं और शिव जी, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं नाथ द्वारा का मेन एंट्रेंस और अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो सबसे पहले नाथ द्वारा में हम लोग जा रहे हैं शिवा स्टैचू की ओर, क्योंकि वहीं पे गाड़ी पार्क करनी होती है और वहां से नीचे ऑटो से जाना होता है, क्योंकि सिर्फ टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स अलाउड होते हैं नीचे। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं शिवा स्टैचू की ओर और अब यहां हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं। हमने ले लिया है ऑटो नीचे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए और बस ऑटो की राइड चल रही है। तो हम लोग आ गए हैं नीचे और नीचे आने के बाद फिर पता लगता है कि इस एरिया में फोर व्हीलर्स की एंट्री क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है मंदिर का, ये पूरा एरिया गली गली से बना हुआ है और मंदिर में एंटर करने से पहले अपने को अपने फुटवेयर और अपने मोबाइल फोन सबमिट करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर के अंदर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती। तो इसलिए अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ अपने को फोन्स और फुटवेयर सबमिट करने हैं। श्रीनाथ जी में ना भीड़ के दर्शन का ही महत्व होता है, यानी यहाँ आप अकेले जाके दर्शन नहीं कर सकते हो, यहाँ आपको एक पूरे भीड़ के साथ ही जाके दर्शन करने होते हैं और इनके जो पट खुलने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसी टाइम पे आप जा सकते हो, ऐसे दिन भर में आप कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि सामने बैठे हुए कान्हा जी होते हैं और कान्हा जी के सामने जो अपन लोग होते हैं भीड़ में, वो लोग यमुना जी की लहरें की तरह झूलते झूलते दर्शन करते हैं और इसी चीज का यहाँ पे महत्व है। भीड़ के दर्शन का तो मैं आपको फोटो या वीडियो नहीं बता सकता क्योंकि मोबाइल फोन हमारे सबमिट रहेंगे वहां पे, तो इसलिए आपको अगर से यहाँ एक्सपीरियंस करना होगा भीड़ के दर्शन कैसे होते हैं तो आपको श्रीनाथ जी नाथ द्वारा पधारना ही पड़ेगा। तो हुई गया माँ का नाथ द्वारा का दर्शन, एक नंबर। यहाँ पे अंदर कैसे फोन वगैरह ले जाने नहीं देते तो इसलिए वो शूटिंग तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है बाकी बताता हूँ। तो अगर आप नाथ द्वारा पधार रहे हो तो आप दर्शन के बाद रबड़ी लेना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि यहाँ की रबड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ का चाट भी बहुत ज्यादा फेमस है और हमको पसंद भी है, तो हमने सोचा क्यों ना एक एक प्लेट पानीपुरी की भी हो जाए। चालो सा नाथ द्वारा रे मायने शॉपिंग करबा। तो यहां से हमने सभी के लिए गुलकंद और गुलाब जल की बोतलें ले ली है, तो चलो आगे करते हैं शॉपिंग और ले जाओ। तो शॉपिंग के नेक्स्ट पार्ट में मम्मी और प्रीति सेलेक्ट कर रहे हैं कुर्तियां, चल रहा है कुर्तियों का सिलेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना जाने कितने कुर्तियों के बाद एक निकाला है और इधर से एक निकाला है और अब ये सिलेक्शन करने के बाद इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। मतलब ये ना फीमेल सेक्शन अलग ही होता है, मतलब कैसा होता है ना कि इतने सारे कपड़ों में इनकी नजर पता नहीं कैसे चले जाती है और वो बराबर वो सिलेक्टेड पीस लेकर आ जाते हैं। भाई अपने से तो नहीं होता ये सब, एक एक ट्राई करके दिखाने की कोशिश चल रही है और चलो कुछ और देखते हैं। ना जाने कहाँ भाई कहाँ, कितने भी अंदर रहने दो भाई दुकान है, बस ये चले जाते और लेकर आ जाते कुछ ना कुछ। यहाँ मम्मी ने एक बंधेज की कुर्ती ट्राई की है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी कुर्ती लग रही है, मतलब मम्मी को सूट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और प्रीति के हाथ में एक दुपट्टा है जो प्रीति अभी ट्राई करने वाली है, तो अभी प्रीति एक ट्राई कर रही है ब्लू कलर का दुपट्टा। और सच बताओ तो ये वाला दुपट्टा जो प्रीति ने अभी ये किया ना, ये अभी इतना भारी सेट हुआ है, लेकिन इसके पहले का मैं ना आपको एक छोटा सा क्लिप बताता हूँ, वो आप देख के आप भी हंस पड़ोगे। तो ये प्रीति ट्राई कर रही थी पहली बार और मैं शूट कर रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा कैंडिड वाला हुआ है ये।
और ये वाला एकदम परफेक्टली बैठ गया। यस, कुछ दुपट्टे भी देखे जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ प्रीति देख रही है बहुत ही प्यारे प्यारे ईयर रिंग्स, जो शायद उसे पसंद आएंगे तो वो ले लेंगी, बट कुछ बोला नहीं जा सकता अभी। नाथ द्वारा में छाछ मसाला, चाय मसाला बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है, तो यहाँ से मम्मी वो ले रही है। और इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद प्रीति हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड। फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ शॉपिंग एंड शॉपिंग एंड शॉपिंग एंड शॉपिंग, आई डोंट नो, मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चित्तौड़गढ़। ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी डैम बोर्ड, और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई फटाफट चित्तौड़ जाना चाहिए। शॉपिंग के बाद हम लोग थक चुके हैं और इसलिए हमने सोचा क्यों ना पेट पूजा की जाए। हमने ऑर्डर किया है आलू पराठा, ये बन रहा है, तो तब तक हमने ऑर्डर किया स्वादिष्ट रगड़ा पेटिस और ये रहा तैयार आलू पराठा। तो फाइनली अब हम लोग हो रहे हैं रवाना, और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको नाथ द्वारा की स्ट्रीट्स बता दूँ, यहाँ क्या क्या मिलता है वो बता दूँ। यहाँ मिलता है बहुत ही अच्छे अच्छे होम डेकोरेशन के अप्लायंसेस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, इसमें बहुत ही प्यारे ट्रेडिशनल होम डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। श्रीनाथ जी के फ्रेम्स, कान्हा जी के पोशाक, उन्हें पहनाए जाने वाले हार, मुकुट, ड्रेसेस, उनके लिए सिंहासन, बहुत सारी खाने की चीज़ें, डेकोरेशन का सामान, इयररिंग्स, बैंगल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल फुटवेयर जिसे जूतियाँ भी कहा जाएगा, किचन अप्लायंसेस सभी तरीके के और बहुत कुछ। तो ये है हमारा प्यारा नाथ द्वारा जो मैंने आपको मेरे कैमरा से दिखाया है, पर आपको सच में एंजॉय करना है नाथ द्वारा तो वो आपको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, आपको खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, पांचवी गली और जितनी भी गलियां हैं सभी एक जैसी दिखती है और सभी में एक लेवल की भीड़ होती है। और अब हम लोग रवाना हो चुके हैं नाथ द्वारा से चित्तौड़गढ़ के लिए, और रास्ते में मैं आप सभी को बता दूं, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल्सो बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग चित्तौड़ आए, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और इसलिए यस एन्जॉय कर रहे हैं हम लोग हमारा डिनर, आप लोग भी एन्जॉय कीजिएगा, पधारिएगा।